कि किसानों के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, 700-800 किसान हमारे बेचारे शहीद हो गए, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रहेगा। ग्रेजुएट करके जो LLB कर तमाम प्रकार जो पढ़े लिखे लोग हैं, समोसा तले हम लोग, रोजगार के नाम पे मजाक बना दिया गया है। दुनिया में जिससे से कोई नेता नहीं है, और कानून करा जाएगा इस बार। दोस्तों, यह है जहुराबाद विधानसभा, और जहुराबाद विधानसभा ओम प्रकाश राजभर जी का गढ़ है। ओम प्रकाश राजभर जी कई बार यहाँ से जीते भी हैं, और इनकी सरकार भी यहाँ से चल रही है। ओम प्रकाश राजभर जी जो भाजपा के मुखिया हैं, और लगातार अपने अपने योजना को लेकर के बताते रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ किया है। अगर जहुराबाद विधानसभा के लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालू राम गौतम है। अच्छा। मैं जहुराबाद विधानसभा का ग्राम सम्बन्धपुर मेरा एक पड़ता है, महेशपुर न्याय पंचायत। अच्छा। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा बाबू जी, ये आपसे जानना चाहते हैं कि जहुराबाद विधानसभा है, जहुराबाद विधानसभा में प्रकाश राजभर जी का बहुत अच्छा गढ़ रहा है जी, बहुत अच्छा काम किए हैं या नहीं किए, आप इसके बारे में बताइए। 5 साल हो गया, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस जहुराबाद विधानसभा में कहीं किसी क्षेत्र में नज़र नहीं आए, चाहे कहीं किसी पूरे जहुराबाद में किसी ग्राम सभा में घूम लीजिए, अगर कहीं ये काम किए हों, कहीं कोई सड़क बनवा दिए हों, या इनका कोई कार्यक्रम हुआ हो, तो आप ये जनता जानती है, जनता समझती है। बिल्कुल। अगर देखा जाए योगी जी की सरकार के बारे में, तो योगी जी सरकार के बहुत सारे लोग क्या क्या अच्छा अच्छा कर दिखा रहे हैं कि मैंने ये कर दिखाया, वो कर दिखाया, दो दो बार राशन बांट रहे हैं, और इतना तक कि चीनी और नमक भी बांट, चीनी चना और नमक भी बांटा है, इसके लिए क्या करना है? ऐसा है, यह जो जितना ये कार्यक्रम नमक चीनी और तेल ये इस समय जो बट रहा है, अभी आप पिछले का अभी भी जी जो महंगाई बढ़ी हुई है, दाल का भाव देख लीजिए, चाहे तेल का भाव देख लीजिए, या किसी तरह की महंगाई देख लीजिए, उस महंगाइयों में आज यह योगी सरकार जब चुनाव आई है, योगी सरकार का जब ये चुनाव चल रहा है, किसी तरह जनता को लुभावना ये दे करके कि जनता को गुमराह करके किसी तरह उनका वोट लेना चाहती है। पहले देख लीजिए उस समय क्या पेट्रोल का दाम था, आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, और उस समय से आज से मिला लीजिए कि कितना का अंतर हो गया है। मान लीजिए 100 रुपया 115-120 रुपया पेट्रोल बिक गया, आज 5-10 रुपया घटा दिया जाता है, तो उसमें जनता का कितना भलाई हुआ, कितना भलाई हो गया? मात्र 5-10 रुपये घटाते हैं, उससे जनता का तो कोई भलाई होगा नहीं। हाँ, वो पेट्रोल का दाम थोड़ा सा कम, वो अगर 40-45। अच्छा, जहुरा किस प्रकार काम हुआ, किस प्रकार काम हुआ? सर, सबसे पहले तो मैं क्रांतिकारी जय भीम सिंह कुमार भारती मेरा नाम है, और जो कार्यकाल बीता है वह कार्यकाल सबसे खराब कार्यकाल रहा है, क्योंकि हर हर मोदी घर घर मोदी के नाम पर ये सरकार बनाए थे, 15 लाख हर खाते में हम पैसा देंगे, और उसी लुभावने में गरीब तबके के लोग आ गए और इस शासन सत्ता में आ गए। लेकिन इस बार चाहे राशन बांट लें, चाहे तेल फ्री कर लें, चाहे खाते में पैसा भेज लें, इस बार ये आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये इनका हर साल का ये नाटक है, और जुमलाबाजी करते हैं, जुमला फेंकते हैं, और फेंक करके चुनाव जीत जाते हैं, फिर 5 साल इनका आता पता नहीं चलता है, और ये गरीबों के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, स्पष्ट। अच्छा। हाँ, स्पष्ट बहुमत बनेगी। हाँ, अब वाणी 5वीं बार मुख्यमंत्री लेगी, शपथ लेंगी इस बार, 5वीं बार शपथ लेगी। बहुजन समाज पार्टी का क्या कार्यकाल में अच्छा लगता है? कार्यकाल वाणी का कानून व्यवस्था नंबर 1 का है, गरीबों की बहु बेटियों की इज्जत आबरू रहती है, अगर कोई अधिकारी क्या एक गरीब भी चला जाता है तो जानता है कि एक मान जी गरीबों की नेता है, गरीबों की रहनुमा है, उसकी बात को अधिकारी सुनता है, पैसे का लेन देन भ्रष्टाचार नहीं होता है, और मान जी कानून का राज स्थापित करके दिखाया है, इसीलिए तो मान जी को संसद की शरण न्यायालय लेडीज कहा जाता है। दुनिया में मान जी से कोई नेता नहीं है, और कानून का राज आएगा इस बार, पूरी जनता समझ चुकी है। हाँ, कानून का राज आएगा। जिस तरह से आज जितने भी लड़के हैं, जो आज युवा नेता हैं, आजकल युवा हैं जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? क्या सच में रोजगार, अभी तो पता चला कि 2 साल तक कोरोना वायरस चला गया तो आपको रोजगार नहीं मिला है। साथियों भैया, देखिए रोजगार की बात आई तो वर्तमान जो सरकार है, खुदे उनका कहना है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, BA करके पकौड़ा तलिए, ग्रेजुएट करके जो LLB कर तमाम प्रकार जो पढ़े लिखे लोग हैं, समोसा तले हम लोग, रोजगार के नाम पे मजाक बना दिया गया है। अब
उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे भारत का जो युवा लोग हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर में हम लोग करें तो क्या करें। आप देख रहे हैं 97,000 जो शिक्षक भर्ती के लिए उस रोड पे पड़े हुए हैं, और देखिए कि और जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं जो शिक्षित लड़कियां हैं अपने हक अधिकार को मांगने के लिए जा रही हैं तो उनके साथ ऐसा सब बर्ताव किया जा रहा है, उनको मारा पीटा घसीटा मारा जा रहा है, उनको देख रहे होंगे। तो इनसे हम लोग रोजगार की उम्मीद क्या कर सकते हैं? यदि हम नौजवानों को रोजगार की उम्मीद करनी है और महिलाओं को बहनों को यदि अपने हक अधिकार और अपने सुरक्षा का यदि कामना करना है तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि माननीय बहन जी की सरकार को लाएं और महिलाएं को लेकर के नौजवान सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, सबको रोजगार मिलेगा, महिलाओं को अपना सुरक्षा मिलेगी और बुजुर्गों को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक वर्ग के सर समाज के लोगों को रहने का सर सेवा मिलेगा। यही कहना चाहिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमको बताइए कि जैसे कि अगर बहुजन समाज पार्टी अगर योगी जी की बात करें तो योगी जी कहते हैं कि नहीं बसपा सपा में आज तक जो भी मैं जो काम नहीं हुआ मैंने कर दिखाया है, तो क्या ऐसा काम है जो उन्होंने कर दिखाया है? हाँ, एक काम तो उनका अच्छा ही लगता है कि जो इस देश और प्रदेश की शिक्षा स्तर था उन्होंने गिरा दिया, लड़कों को एकदम रोड पर खड़ा कर दिया विद्यालय बंद कर। दूसरा उनका सबसे बड़ा काम रहा है कि किसानों के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, 700-800 किसान हमारे बेचारे शहीद हो गए लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रहेगा, उनके जो छुट्टे साँड घूम रहे हैं किसानों की फसलें खा कर बर्बाद कर रहे हैं, हमारे गरीब तबके के लोग किसान खेत में जाकर उसकी रखवाली करने में कितने किसान जान दे दिए ठंडी की हवा में, यही तो काम किए हैं वो। गरीबी चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर, जो अभी गैस सिलेंडर 600-400 का मिलता था वो 1,000 रुपये को चला गया है, सारी चीज़ें देख लीजिए, यही तो किए हैं ये अभी राजकरण। भ्रष्टाचार फैला हुआ, हमारी बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है, घर से बेटी अगर बाहर निकलती है तो माँ सोचिए कि रात को कैसे हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं कि नहीं है। किसान बेहाल है, न खाद मिल रहा है, न उसको डाई मिल रहा है, न यूरिया मिल रहा है, सारे लड़के बेरोजगार पड़े हुए हैं और जो छोटी मोटी कंपनी में हमारे गरीब तबके के लोग जाकर रोजी रोटी चलाते थे वो भी कम बंद हो गया, फिर चुनाव आया, फिर लॉकडाउन लगा रहे हैं, देखिए इनकी रोज तमाशा कर रहे हैं, यही तो किए हैं। अच्छा, अगर किसी की सरकार बनती है तो क्या क्या उम्मीद करते हैं आप? किसी की सरकार की बात नहीं मैं करूँगा, मैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार की बात करूँगी। अगर बहन मायावती अगर इस उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनती हैं तो इस प्रदेश का भला हो जाएगा, चाहे वो आवास से लेकर, चाहे सड़क से लेकर के, चाहे रोजगार से लेकर के, हर स्तर पर बहन जी काम करती हैं और पुनः बहन जी काम करेंगी, ये हम लोग को विश्वास है। तो जहुराबाद विधानसभा में किसको लाना चाहेंगे? जहुराबाद में हमारे दूधनाथ बुजारत राजभर चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा। जनता एक तरफा दूधनाथ की तरफ। क्या काम आपको अच्छा लगता है दूधनाथ का? दूधनाथ पहली बार यहाँ से प्रत्याशी हैं, नौजवान साथी हैं, उनको भी नौजवानों का दर्द है, गरीबों का दर्द है, अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो निश्चित लोगों की भलाई करेंगे, लोगों के दुख दर्द में जाएंगे, उनके कदमों से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। दोस्तों, अभी हमारी बातचीत हो रही थी इंदौर में, ये इंदौर है जहुराबाद विधानसभा कासमाबाद के बगल में है। जिस तरह से लोगों को बात करने का तरीका है कि जिस तरह से योगी सरकार ने, जो पूर्व की सरकार ने जो काम किया है उसको काम को देखते हुए अगर बहन जी ने अगर बहन जी की सरकार आती है इस यहाँ पे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम होगा। और दूधनाथ राजभर जी जिस तरह से कहा है कि उन्होंने चुनाव जीतने जा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि जहुराबाद विधानसभा से कौन जीतने जा रहा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।